हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ इसे आखिर तक देखिए और प्लीज़ अप्रिशिएट भी कीजिए। पिछले 4 दिन से इस मूवी पे काम कर रहा हूँ, इसलिए कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाया। इस मूवी का नाम है मनी, जो 2019 में रिलीज़ हुई है और जो शेयर मार्केट के फ्रॉड और स्कैम पे बनी है। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूडो हैन रिवर पे बसा एक आइलैंड जो कोरिया का फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है, यही पे है कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज, जहां रोजाना 7 बिलियन की डीलिंग होती है। माउस के एक क्लिक पे मिलियन डॉलर्स को मूव किया जाता है और यही पे बसे डीएम सिक्योरिटीज में काम करता है माइलो, जिसकी सैलरी है सिर्फ $3,000 मंथली, मगर कमीशन है अनलिमिटेड। माइलो एक स्टॉक ब्रोकर है। माइलो की मेमोरी बड़ी अच्छी है, उसे सभी स्टॉक्स के कोड्स जुबानी याद है, मगर इसके बावजूद माइलो डीएम का सबसे नाकामयाब ब्रोकर है। उसका कमीशन 0 है, जो माइलो के लिए एक शर्मनाक बात है। वह किसी भी हालत में पैसे कमाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है। ब्रोकर्स जो शेयर्स और सिक्योरिटीज को अपने क्लाइंट के ऑर्डर्स के हिसाब से उनके अकाउंट के जरिए खरीदते हैं या बेचते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। इस डीएम का टॉप ब्रोकर है लियोन। मार्केट 9 बजे स्टार्ट होता है और 3 बजे खत्म होता है। 6 घंटे का टेंशन उसके बाद होता है, या तो सिर्फ जश्न या फेल्योर होने का गम जो हमेशा माइलो के हिस्से आता है। अपने आसपास सक्सेसफुल ब्रोकर्स को देख के वह भी उनके जैसा बनना चाहता है। इसके बावजूद उसका बॉस टाइलर उससे हमेशा फ्रेंडली अप्रोच रखे हुए है। इस डीएम सिक्योरिटीज में माइलो का खास दोस्त है कैल्विन। दोनों कॉलेज मेट है, मगर कैल्विन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके डैडी की वुसुंग नाम की एक बड़ी कंपनी है। कैल्विन खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म खोलना चाहता है और एक्सपीरियंस के लिए डीएम में काम कर रहा है। माइलो को कैल्विन की किस्मत पे जलन होती है, क्योंकि उसके खुद के फादर एक गरीब रॉसबेरी फार्मर है। कैल्विन अमीर है तो लड़कियां भी उसे भाव देती है। बेचारा माइलो एक टीचर के प्यार में है जो उसके जैसी ही मिडिल क्लास है, मगर इसके बावजूद कैल्विन माइलो को अपना अच्छा दोस्त मानता है। अब स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन तो चलता ही है। स्पेकुलेशन यानी सट्टा, शेयर्स के भाव गिराओ फिर उनको खरीदो, और जब मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो फिर से उनको बड़े भाव में बेचो, जो इल्लीगल है, क्योंकि ऐसे सट्टे से छोटे इन्वेस्टर बर्बाद हो जाते हैं, मगर ये दुनिया ही सट्टा है। कैल्विन माइलो से कहता है, अगर जुए खाने में बैठे है और अमीर बनना है तो थोड़ा सट्टा तो खेलना ही पड़ेगा। मगर माइलो को सट्टा खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा, वह बस अपने बॉस का चमचा बन के रह गया है। तो ऐसे में एक क्लाइंट का माइलो को फोन आता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के 20,000 शेयर, इतना कह के फोन कट होता है। अब बेचारा माइलो यह समझ नहीं पाता कि शेयर्स बेचने हैं या खरीदने हैं, तो वह अपनी अकल लगा के उस क्लाइंट के अकाउंट से शेयर्स खरीदता है। मगर दूसरे ही पल उस क्लाइंट का फोन आता है। वह माइलो पे गुस्सा होता है, क्योंकि उसने शेयर्स बेचने को कहा था, तो अब वह क्लाइंट उसके पैसे वापस चाहता है। तो अब मैनेजर सबको बुला के कहता है कि माइलो की गलती की वजह से उनको क्लाइंट को पैसा देना पड़ा है, तो अब इस साल का सबका बोनस कैंसिल किया जाता है। तो अब सब माइलो पे गुस्सा होते हैं कि अगर अकल नहीं है तो वह चलाता क्यों है। मैनेजर तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। तो दुखी हारा माइलो रात को बहुत शराब पीता है और अपने बॉस और मैनेजर के सामने सीन क्रिएट करता है। यह सब ड्रामा लियोन देखता है, जो डीएम का टॉप ब्रोकर है। वो उससे कहता है कि वह भी कभी माइलो जैसा था, मगर जब से वह बुटीक नाम के एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ ब्रोकरिंग करने लगा है, तब से सब ठीक चल रहा है। दूसरे दिन माइलो जब बुटीक के बारे में कैल्विन से पूछता है, तो वह उससे कहता है कि वह फ्रॉड कंपनी है जो मार्केट में मिलियंस का हेरफेर करती है। मगर लियोन माइलो से कहता है कि वह उसके कॉन्टैक्ट माइलो को दे सकता है अगर वह चाहता है तो। वह माइलो से कहता है कि टिकट नाम का एक ब्रोकर है, उसे इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सब उसके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने उसके साथ काम किया है वह आज अमीर बन चुके हैं। लियोन माइलो से कहता है कि वह बिल नाम के एक फंड मैनेजर के साथ काम करता था, जो टिकट के लिए काम करता था। उसने लियोन को टिकट से मिलवाया और फिर लियोन भी टिकट के लिए काम करने लगा, और आज वह एक सक्सेसफुल ब्रोकर है। अब लियोन की शानो शौकत और सक्सेस स्टोरी सुन के माइलो भी टिकट के लिए काम करना चाहता है, और टिकट को भी एक नए ब्रोकर की तलाश है। माइलो को यह अपॉर्चुनिटी लगती है और वह टिकट को मिलने एक बिल्डिंग के रूफ पे जाता है। टिकट की पर्सनैलिटी को देख के माइलो पहली ही नज़र में उससे इम्प्रेस होता है। टिकट माइलो से कहता है
कि अगले दिन उसे एक अनजान कॉल आएगा। सैमिल एसेट नाम का अकाउंट उसे कंट्रोल करना है। उस अकाउंट से उसे कुछ शेयर खरीदने हैं। सौदा 50 मिलियन का है और प्रॉफिट 2 मिलियन का है, जिसमें से $500,000 माइलो को कमीशन मिलेगा। वह अमाउंट सुन के माइलो को चक्कर आने लगता है, क्योंकि वह अमाउंट माइलो के मंथली सैलरी के 250 गुना बड़ा होता है। टिकट उसे एक पुराना मोबाइल देता है और कहता है अगर वह यह ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हैंडल करेगा तो उसे आगे भी पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। टिकट माइलो को हिदायत देता है कि उनके बीच की ये बातें माइलो कॉन्फिडेंशियल रखे। दूसरे दिन माइलो उस सैमिल एसेट का अकाउंट खोलता है, जिसमें $50 मिलियन डिपॉजिट किए गए है। वह अकाउंट खोल के डीलिंग के लिए रेडी रखता है और अमीर बनने के सपने देखने लगता है। तभी उसे वह फोन आता है। फोन करने वाला उससे कहता है कि जैसे ही मार्केट शुरू होगा स्प्रेड कंपनी के 13,000 शेयर बेचने के लिए आएंगे, उसमें से 8,000 शेयर्स खरीदने हैं। तो हमें पता चलता है स्प्रेड जो एक ब्लू चिप कंपनी है उसके मार्केट में कभी 100 के ऊपर शेयर बेचने नहीं आते, तो कोई 13,000 इतनी क्वांटिटी में क्यों बेचेगा। तभी कई दूसरी जगह किसी टॉम सिक्योरिटीज में एक ब्रोकर जो टिकट के यहाँ बेचा गया है वह स्प्रेड के 13,000 शेयर्स को बेचने के लिए रखता है। जैसे ही 9 बजे मार्केट शुरू होता है माइलो बड़ी फुर्ती से 8,000 शेयर्स खरीदने में लग जाता है। अब इस डीलिंग की खबर फाइनेंशियल सुपरवाइजिंग सर्विसेज को लगती है, जो कोरिया के शेयर मार्केट फ्रॉड को कंट्रोल करती है। तो दूसरी ओर उस टॉम सिक्योरिटीज के मैनेजर को भी पता चलता है कि उसके किसी ब्रोकर ने इतनी क्वांटिटी में स्प्रेड कंपनी के शेयर बेचने रखे है, तो वह बौखला जाता है। मगर वह ब्रोकर जो टिकट का काम करता है वह बड़ा कूल होता है। तो यहाँ वह मैनेजर अपने बाकी के सभी ब्रोकर्स को वह शेयर फिर से बाय करने बोलता है। यहाँ बड़ी कंपनी का शेयर इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है देखकर हंगामा मच जाता है। माइलो टिकट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसमें से सिर्फ 8,000 शेयर्स खरीदता है। अब इस खरीदारी की खबर डीएम के वाइस प्रेसिडेंट को लगती है, तो उसे विश्वास नहीं होता कि माइलो जो कल तक एक नाकामयाब ब्रोकर था उसने इतनी बड़ी डीलिंग की है, तो वह उस पर विश्वास नहीं रखता। वह माइलो का फोन लेके उस क्लाइंट को कॉल बैक करके कंफर्म करता है, मगर वह क्लाइंट फेक होता है, उसे सिर्फ हाँ ना करने के लिए ही रखा हुआ होता है। तो वह वाइस प्रेसिडेंट को शेयर खरीदने की कंफर्मेशन देता है। यहाँ डीएम में सबका यही कहना होता है कि इतनी बड़ी डीलिंग करने के पहले माइलो को उसके बॉस के साथ कंसल्ट करना चाहिए था। तो लियोन वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि उसने माइलो की हेल्प की थी। अब इस बड़े ट्रांजैक्शन के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है। हांगकांग का मार्केट क्रैश होता है। हांगकांग के एक बैंक ने कुछ सिक्योरिटीज को मार्केट प्राइस से काफी कम में बेचा होता है। मार्केट में अचानक शेयर्स अवेलेबल होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू गिरती है, तो ऑफकोर्स पूरा मार्केट भी नीचे गिर जाता है। वही काम स्प्रेड के 13,000 के बड़े लॉट ने किया था। गिरे हुए मार्केट का फायदा उठा के टिकट ने काफी कंपनी के शेयर्स अपने ब्रोकर्स के जरिए खरीदी किए होते हैं। ऑफकोर्स बाद में मार्केट ऊपर आने के बाद स्प्रेड के शेयर्स भी बड़ी कीमत पे बेचे जाने वाले थे। यहाँ माइलो उस दिन के ब्रोकर के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। उसने $50,000 का कमीशन जो कमाया होता है, मगर माइलो ने असली कमाई टिकट से की होती है। टिकट ने माइलो का बहामा में ऑफशोर अकाउंट खोल के उसमें $600,000 के ऊपर पैसे डिपॉजिट किए होते हैं। वह अकाउंट माइलो के असली नाम से नहीं बल्कि फेक मार्क चो के नाम पे खोला गया है। टिकट माइलो से कहता है कि अगर उसे जरूरत हो तो कैफे के फोन से वो उसे कॉल कर सकता है। माइलो को विश्वास नहीं होता, तो वह घर जाके बहामा के उस बैंक से $10 अपने कोरिया के बैंक में ट्रांसफर करता है। अब वह लिस्ट बनाता है कि उसे लाइफ में क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो वह एक आलीशान फ्लैट खरीदी करता है, जहाँ से कोरियन स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग दिखती है। वह सब देख के उसकी मिडिल क्लास गर्लफ्रेंड शॉक होती है, मगर वह उसे समझाता है कि अब उसके दिन शुरू हुए हैं। तभी वॉशरूम में उसकी मुलाकात हैन से होती है। हैन जो सिक्योरिटी क्राइम यूनिट में प्रोसिक्यूटर है, इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेटर है, जो शेयर मार्केट के फ्रॉड की तहकीकात करता है। अब इस मुलाकात से माइलो डर जाता है कि कहीं वह क्राइम यूनिट के रडार पे तो नहीं आया। तो अब घबर के वह टिकट से मिलता है और उसे हैन के बारे में बताता है, मगर टिकट उससे कहता है कि हैन के पास कोई सबूत नहीं है कि तुमने फ्रॉड किया है, वरना वह तुम्हें पहले ही पकड़ लेता। तुम सिर्फ ब्रोकर हो जो शेयर्स बेचने खरीदने का काम करता है। टिकट माइलो से कहता है कि अगर वह डर गया है तो वह किसी और को अगला काम देगा, मगर माइलो को अब अमीर बनने का चस्का लग गया है, तो वह यह अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहता। वह चुप रह जाता है।
यहाँ हैन स्प्रेड के स्कैम को लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, मगर शेयर बेचने वाला वो ब्रोकर अपनी फैमिली के साथ कप का कोरिया छोड़ के भाग गया है। तो अब वह 8,000 शेयर्स जिसने खरीदी किए थे उस शख्स के पास जाता है, मगर वह ऑफिस खाली होता है। वह तो बस एक दिखावे का आदमी होता है जो टिकट से अपना कमीशन लेके कप का गायब हो चुका है। 13,000 के लॉट में से 8,000 शेयर्स को खरीदना यह तो एक दिखावा था, मकसद तो पूरे बिलियन के मार्केट को गिराना था। तो अब रह जाता है माइलो जो इस डीलिंग में ब्रोकर था, तो हैन माइलो के पीछे लगने की सोचता है। यहाँ अगले डीलिंग के लिए टिकट माइलो को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है जहाँ माइलो की मुलाकात और एक ब्रोकर बेक के साथ होती है जो शायद टिकट के लिए काम करता है। टिकट उसे बताता है अगली बार उसे प्रोग्राम ट्रेडिंग करनी है। प्रोग्राम ट्रेडिंग यानी बंच ऑफ शेयर्स को एक साथ एक ही समय ऑर्डर किया जाता है जो एक प्रोग्राम के जरिए सेट किया जाता है जिसमें अलग अलग कंपनियों के शेयर एक ही बंच में होते हैं जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो अलग अलग शेयर्स का मिलके एक बास्केट बनाते हैं और उन्हें एक साथ एक ही समय बेचने के लिए रखते हैं। टिकट माइलो से कहता है कि इस ट्रेडिंग में हर एक फर्म से 5 ब्रोकर हिस्सा लेंगे जिनका भी कट फिक्स होगा। तो अब माइलो वो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करता है। जैसे ही वो प्रोग्राम इंस्टॉल करता है उसे किसी पार्क का मैसेज आता है, वह अपनी ऑर्डर माइलो के जरिए डालना चाहता है। अब देखते देखते और लोगों की ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट आती है, मगर पार्क लियोन का क्लाइंट है। टिकट ने पहले ही माइलो से कहा होता है कि लियोन को इससे दूर रखे, तो वो मैनेजर से कहता है कि उसने प्रोग्राम ट्रेडिंग सीखी है तो वो हैंडल कर पाएगा। अब मार्केट गिरना शुरू होता है तो माइलो को और बंच शेयर्स की ऑर्डर मिलती है। तो इतने सारे लोगों की मिलके माइलो को 139 मिलियंस के शेयर्स बाय करने की ऑर्डर्स मिलती है जो वह प्रोग्राम ट्रेडिंग के जरिए कुछ ही समय में पूरी करता है। टोटल मिला के 700 मिलियन के ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें माइलो को 1.2 मिलियन का कट मिलता है। अब पैसे आने के बाद माइलो कैल्विन के साथ नाइट लाइफ एंजॉय करता है। रात को हैन माइलो को उसके अपार्टमेंट के नीचे मिलता है और उसे कहता है कि उसकी उस पर नज़र है। तो माइलो यह सब बात टिकट्स को बताता है, मगर टिकट उसे दिलासा देता है कि हैन के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर तुम कमजोर पड़ गए तो खेल बिगड़ जाएगा। अब अपना कमाया हुआ पैसा देखने माइलो बहामा अपने ऑफशोर बैंक में जाता है जहाँ टिकट ने उसका कट डिपॉजिट किया है। अपने अकाउंट में पड़े 1.4 मिलियन देख के माइलो को विश्वास नहीं होता, वह खुशी से झूम उठता है। अब वह बहामा एंजॉय करने निकलता है जहाँ उसकी मुलाकात रॉय से होती है जिसकी न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट फर्म है। दोनों एक दूसरे का इनविटेशन कार्ड एक्सचेंज करते हैं। अब जब माइलो कोरिया लौटता है तो उसे पता चलता है प्रोसिक्यूशन के लोगों ने डीएम पे रेड डाली है और उसकी वजह है माइलो, जिसने पिछले कुछ दिनों में की हुई डीलिंग्स क्राइम यूनिट की नज़र में आई है, जिसे लेकर डीएम की इंक्वायरी कमेटी उसकी पूछताछ करती है। मगर वह कहते हैं ना, पैसा आदमी को कॉन्फिडेंट बना देता है। तो माइलो उनसे कहता है उसने अकेले पैसे नहीं कमाए, उसने डीएम को भी पैसे कमा के दिए है। वह उससे कहता है कि उसने सिर्फ उसका काम किया है जो उसके बॉसेस ने उसे सिखाया है, तो यह कोई फ्रॉड नहीं है। अगर मैं अपने क्लाइंट को सर्विस नहीं देता तो कोई और देता, तो सब चुप हो जाते हैं। यहाँ डीएम के रेड पे पाए गए डेटा से ब्रोकर्स के कुछ सीक्रेट्स सोशल मीडिया पे लीक होते हैं कि वह दूसरी औरतों पे अपने पैसे उड़ा रहे हैं। अब जब यह बात लियोन की वाइफ को पता चलती है तो वह ऑफिस आके लियोन के लेडी असिस्टेंट की पिटाई करती है, जिससे गुस्सा होकर वाइस प्रेसिडेंट लियोन को जॉब पे से निकाल देते हैं और उसका सारा काम माइलो को सौंपते हैं, जिससे लियोन माइलो पे खासा नाराज होता है। वह माइलो से कहता है कि वह टिकट के तलवे चाटना बंद करे। तो अब माइलो उससे कहता है कि टिकट ने लियोन को छोड़ के उसे अपने साथ इसलिए किया है क्योंकि लियोन अब आउटडेटेड हुआ है। उसकी बातें सुन के लियोन गुस्सा होके वहां से चला जाता है। यहाँ अब माइलो अपने पैसे का रोब अपनी खूबसूरत कलीग पे जमाने लगता है और उसके साथ रिलेशन में आता है, जिसका पता उसकी गर्लफ्रेंड को चलता है। तो वह यही समझती है कि पैसे ने उसके माइलो को बदला है, तो वह माइलो को छोड़ के चली जाती है। मगर अब माइलो को इसकी परवाह नहीं, वह अपने पैसे की मस्ती में चूर है। अब बड़ी बड़ी ऑफर्स की वजह से माइलो का ऑफिस में रोब भी बढ़ जाता है और कमीशन में उसका नाम हमेशा टॉप ऑफ द चार्ट रहता है। उसे ब्रोकर ऑफ द ईयर से नवाजा भी जाता है। अब पैसे आते ही माइलो अपने माँ बाप पे भी खर्चा करता है, जिससे दोनों खुश होते हैं। माइलो अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करने लगता है। दरअसल वह अनजाने में शेयर्स में सट्टा चला रहा होता है जिसका उसे ही पता नहीं होता। यहाँ एक रात माइलो को एक बेक नाम के ब्रोकर का फोन आता है, वह उसे मिलने बुलाता है मगर माइलो नहीं जाता।
दूसरे दिन उसे न्यूज से पता चलता है कि उस ब्रोकर ने सुसाइड की है। वो वही ब्रोकर है जो टिकट के साथ काम करता था। तो अब पुलिस माइलो से पूछताछ करती है, क्योंकि सुसाइड करने के पहले उस बेक ने माइलो को कॉल किया था। पार्किंग में हैन माइलो को पकड़ता है और उससे कहता है कल रात बेक और हैन उससे मिलना चाहते थे क्योंकि वह टिकट को पकड़ना चाहते हैं, मगर माइलो नहीं आया, जिससे निराश होकर बेक ने सुसाइड की। अब माइलो ऑफिस आके प्रोग्राम ट्रेडिंग के पिछले कुछ ट्रांजैक्शन देखता है, तो उसे पता चलता है कि जिन दो ब्रोकर ने माइलो के साथ प्रोग्राम ट्रेडिंग की थी वह है बेक और दूसरा है पार्क। तो दूसरी ओर हैन भी पार्क के ऑफिस जाके उसकी तहकीकात शुरू करता है, जिसने पिछले कुछ सालों में काफी पैसे कमाए हैं और टिकट से कमाया हुआ कमीशन उसी भामा की बैंक में उसके अकाउंट में जाता है। अब घबर के पार्क रात को लियोन से मिलता है। दोनों को पता चल चुका है कि उनके कंधे पे गन रख के टिकट उसे चला रहा है, अगर कुछ हुआ तो वह दोनों फंसेंगे। तो अब लियोन कुछ प्लान करता है, वह दोनों जाके हैन से मिलते हैं और टिकट को पकड़ने के लिए हैन के प्लान में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ कैल्विन को उसके क्राइम यूनिट के सोर्स से पता चलता है कि यूनिट के रडार पे डीएम के कुछ ब्रोकर्स है जिन्होंने स्प्रेड में डीलिंग की थी, और इनमें सबसे ऊपर नाम है माइलो का। दूसरे दिन माइलो पार्क से मिलने उसके ऑफिस जाता है, तो पार्क ऊपर से जम करके सुसाइड करता है, जिससे माइलो शॉक होता है। मगर अगले ही पल उसे पता चलता है कि वह सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने पार्क को उसके ऑफिस से नीचे फेंका होता है। ऑफ कोर्स वह किलर टिकट का आदमी होता है। अब माइलो टेंशन में आता है। दूसरे दिन टिकट माइलो को मिलने मेट्रो स्टेशन बुलाता है। रास्ते में उसे कैल्विन पकड़ लेता है और माइलो को वार्न करता है कि वो जो कुछ कर रहा है उससे वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, क्योंकि हैन उसकी तहकीकात कर रहा है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। कैल्विन माइलो से कहता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर माइलो उसकी नहीं सुनता। वो उससे कहता है कि तुम जैसा पैसे वाला कब से मेरी चिंता करने लगा। उसकी बातें सुनकर कैल्विन हर्ट होता है। अब जब माइलो टिकट से मिलता है तो टिकट माइलो से कहता है कि माइलो को दूसरे दिन नेकेड शॉर्टिंग से शेयर खरीदने हैं, जो इलीगल प्रैक्टिस है। जॉब 20 मिलियन का है, जिसमें माइलो का कट 5 मिलियन का होगा। अब शेयर में नेकेड शॉर्टिंग का मतलब होता है जो शेयर्स असलियत में पोजीशन में नहीं होते मगर ट्रेडिंग में बेचने के लिए रखे जाते हैं, जिससे उनकी डिमांड घट जाती है। जब वह बॉटम की प्राइस छूते हैं तब उन्हें खरीदा जाता है, मगर इस वजह से मार्केट पे इसका असर पड़ता है, और खास करके अगर वह शेयर बड़ी मात्रा में हो तो। टिकट उससे कहता है कि वह एक दिवालिया कंपनी के शेयर्स है, तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डूबी हुई है। तो अब माइलो उसे सिखाने लगता है कि वह यह इलीगल काम क्यों कर रहा है, इतने पैसे लेके वह क्या करेगा। तो टिकट उससे कहता है कि वह यह सब पैसे के लिए नहीं बल्कि फन के लिए कर रहा है, जो एक तरह का एडिक्शन है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइलो की कलीग किमी भी ट्रेडिंग में सट्टा करती रहती है। हैन उसकी भी इंक्वायरी करता है। हैन उससे कहता है कि वह जल्दी ही जेल जाने वाली है। हैन की बातें सुनकर किमी टेंशन में आती है। हैन उससे कहता है कि अगर उसे बचना है तो वह माइलो के कंप्यूटर से डेटा चोरी करके लेके आए। दूसरे दिन माइलो को क्लाइंट का फोन आता है और वह उसे सिग्नल टेक कंपनी के 70,000 शेयर्स खरीदने बोलता है। जैसे ही माइलो उसे खरीदने में लग जाता है तभी टिकट का फिर से फोन आता है। वह उसे और 80,000 शेयर्स खरीदने बोलता है। ऐसा कर करके टिकट उस कंपनी के पूरे 20 मिलियन के शेयर्स माइलो के जरिए बॉटम प्राइस में खरीदता है। माइलो इंटरनेट पे देखता है तो उसे पता चलता है कि दो दिन पहले ही सिग्नल टेक कंपनी में आग लग गई थी, जिसमें दो लोग जल के मरे, जिसका फायदा उठा के टिकट ने नेकेड शॉर्टिंग करके उसके काफी शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है करके दिखाया था, जिससे डरकर बाकी के शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए रखे, तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस पूरी तरह से गिर गई। इसी का फायदा उठा के टिकट उन्हें कौड़ियों के मोल खरीद रहा है। माइलो समझ जाता है कि यह आग भी टिकट ने लगाई है। टिकट ने माइलो को बताया था कि मार्केट में सिग्नल टेक के शेयर की डिमांड अचानक बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो उस कंपनी के शेयर्स को 10 सेंट में खरीद के $3 में बेचा जाएगा। मगर सच्चाई कुछ अलग होती है, जो आगे जाके हमें पता चलती है। यहाँ डीएम में कैल्विन को माइलो की इस ट्रेडिंग पे शक होता है, तो वह सिक्योरिटी क्राइम यूनिट में फोन करता है और उसे ये सब बताता है, मगर वहाँ के इंचार्ज को उसमें फ्रॉड नजर नहीं आता। यहाँ किमी माइलो के कंप्यूटर से पेन ड्राइव पे डेटा चोरी करती है। अब इस नेकेड शॉर्टिंग की कंप्लेंट कैल्विन वाइस प्रेसिडेंट से करता है, मगर वह कैल्विन को ही सुनाता है कि वह अपना काम करे
दूसरी ओर टिकेट लियोन का एक्सीडेंट करवाता है, जिसकी वजह से लियोन पार्शियल कोमा में चला जाता है। तभी माइलो को किसी का फोन आता है और वह उससे कहता है कि वह इस ट्रांजैक्शन का डेटा लेके उसे लॉबी में मिले, वो माइलो को टिकट से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा। मगर उसकी बातों से माइलो समझ जाता है वो कोई फेक आदमी है। दरअसल वो फ़ोन हैन ने करवाया होता है डेटा हासिल करने के लिए। अब जब माइलो गुस्सा होकर लॉबी में जाता है तो हैन के लोग माइलो को पकड़ने जाते हैं। माइलो उनसे बचने के लिए भागता है तो दूसरी ओर से टिकट का कॉन्ट्रैक्ट किलर उसे मारने आता है, मगर एक कार की वजह से माइलो लकीली बच जाता है। अब टिकट माइलो को हॉस्पिटल में बुलाता है और उसे लियोन की हालत दिखाते हुए उससे कहता है कि हैंड ट्रैप करके उसके ब्रोकर को गद्दारी पे मजबूर कर रहा है। मगर अच्छा है माइलो उसके ट्रैप में नहीं फंसा, अगर उसने उसके साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो उसकी भी हालत पार्क नहीं तो लियोन की तरह होगी। अब माइलो पूरी तरह से परेशान होता है। दरअसल सिग्नल टेक जैसे जिन कंपनियों का दिवाला निकला है उनके शेयर्स के प्राइस को पूरे बॉटम तक ले जाके टिकट उन्हें पूरी तरह से खरीदता है। इन शॉर्ट वह कंपनी को कौड़ियों के मोल खरीदता है, वह उनके शेयर बेचता नहीं, वह कंपनी पे कब्जा करता है, फिर उन कंपनी के एसेट्स को टुकड़ों में बेचता है जिससे मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट होता है। अब टिकट अगली कंपनी का नाम लेता है तो उसका नाम सुन के माइलो शॉक होता है, क्योंकि वह कंपनी कैल्विन के डैडी की होती है। कंपनी का नाम होता है वुसंग इंटरनेशनल। यहाँ सिक्योरिटी क्राइम यूनिट वाले हैन के साथ डीएम सिक्योरिटीज पे रेड डाल के उनके अकाउंट्स की फाइलें जब्त करते हैं। हैन माइलो को अपने साथ चलने को कहता है। हैन माइलो को दिखाता है कि कितने सारे ब्रोकर्स और कंपनियां टिकट की जालसाजी की वजह से बर्बाद हुई है। हैन उससे कहता है कि उसके पास माइलो के पिछले ट्रेडिंग का अकाउंट डेटा भी है जो किमी ने उन्हें दिया है, मगर माइलो कुछ रिएक्ट नहीं होता। तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि कैल्विन के डैडी की मौत हुई है, टिकट का और एक शिकार। तभी उसे बोर्ड पे दिखाई देता है कि अब टिकट का अगला शिकार वुसंग कंपनी है जिसे वह नेकेड शॉर्टिंग करके कौड़ियों के मोल खरीदना चाहता है। हैन माइलो को ऑफर देता है कि अगर वह टिकट को उसके हवाले करेगा तो वह उसे छोड़ देगा। माइलो अपने दोस्त के डैडी की शोक सभा में तो नहीं जाता, मगर अब वह कुछ ठान लेता है। वह सीधा टिकट के पास चला जाता है और उसे हैन की ऑफर बताता है कि अगर वह टिकट को पकड़वा देगा तो क्राइम यूनिट वाले उसे छोड़ देंगे। तो टिकट को शक होता है कि कहीं माइलो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपने बॉडी पे माइक्रोफोन छुपा के तो नहीं आया। माइलो उसे कपड़े उतार के दिखाता है कि उसके पास कोई माइक्रोफोन नहीं है। टिकट उसको वहां से दफा करता है। अब माइलो कैल्विन को जाके मिलता है। वह कैल्विन से वादा करता है कि कल जब मार्केट ओपन होगा तब तुम्हारी कंपनी की यानी वुसंग की प्राइस बढ़ेगी जो अब बॉटम डाउन है। वुसंग कंपनी अब दिवालिया अनाउंस होने के कगार पे है, मगर माइलो नहीं चाहता उसके दोस्त की कंपनी कौड़ियों के मोल बेची जाए। माइलो कैल्विन से कहता है कि मैं तुम्हारे डैडी के कंपनी के सब शेयर बाय करूंगा। उस पर कैल्विन माइलो से कहता है कि उसके अंकल कंपनी को सस्ते में किसी चाइना की कंपनी को बेचने वाले है। माइलो उनसे कहता है कि डेस्परेट होके कंपनी को सस्ते में मत बेचो, उसे मैं ऊपर उठाऊंगा कल सुबह। दूसरे दिन सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता है वह अपने कलीग से कहता है कि वुसंग के सब शेयर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से खरीदी करो। माइलो वुसंग के शेयर खरीदता है जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू टेम्पररीली बढ़ जाती है। तो कैल्विन माइलो के कहने पे अपने अंकल को उनके हिस्से के शेयर्स बेचने को रोकता है और उन्हें थोड़ा वेट करने बोलता है। इस दरमियान टिकट माइलो को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर माइलो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इस ट्रेडिंग का पता हैन को चलता है, मगर वह डीएम की ओर नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की ओर निकलता है। यह इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कुछ लोग आते हैं और माइलो को उनके साथ चलने कहते हैं। तो माइलो उनसे थोड़ा वक्त मांगता है, वह मार्केट में वुसंग के 9 मिलियन के शेयर्स बेचने के लिए अवेलेबल कराता है जो माइलो ने ग्लोबल के अकाउंट से कुछ घंटे पहले खरीदी किए होते हैं। प्लान के हिसाब से उन शेयर्स को कैल्विन को फिर से बाय करना है, मगर अब बढ़ी हुई कीमत पे कौन क्लाइंट उसे खरीदेगा। तो यहाँ माइलो रॉय को अपने साथ मिलाता है। आपको याद होगा यह रॉय वही आदमी है जिसकी न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मगर रॉय भी डूबी हुई कंपनी के शेयर्स महंगे दाम में क्यों खरीदेगा। तो उसका क्लाइंट उससे वह खरीदवाएगा और वह क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि खुद माइलो ही है। माइलो अपने बहामा के ऑफशोर बैंक से जहां उसका मार्क चो के नाम से अकाउंट है जिसमें उसने आज तक टिकट से कमाए लगभग 7 मिलियन रखे है, वह उस पैसे से वुसंग के 9 मिलियन के शेयर्स की वह पूरी बैच रॉय के कंपनी के जरिए मार्केट बंद होने के कुछ देर पहले खरीदता है।
मतलब माइलो ने बुराई से कमाया हुआ पैसा अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया था। अब मार्केट में उसंग के शेयर की कीमत बढ़ती है तो ज़्यादातर शेयर होल्डर जैसे कि कैल्विन के अंकल अपने उसंग के शेयर बेचने का विड्रॉ करते हैं। तो माइलो ने टिकट के 30 मिलियन से खरीदी किए हुए उसंग के शेयर्स में से 9 मिलियन के शेयर्स खुद खरीदी किए हैं। तो जाहिर है जिससे टिकट का उसंग को 100% खरीदने का सपना मिट्टी में मिल जाता है उसके उन 30 मिलियन का कोई मतलब ही नहीं रहता। इस बात का पता टिकट को चलता है तो वह बहुत गुस्सा होता है। वह अपने किलर को माइलो को मारने भेजता है मगर सिक्योरिटी के लोगों को माइलो के साथ देख के वह किलर कुछ कर नहीं पाता। अब वुसंग के शेयर को लेके नेकेड शॉर्टिंग करने के जुर्म में हैंड टिकट की उस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी पे रेड डालता है मगर टिकट वहां से जा चुका है। अब वहां दूसरा ही मॉडल बैठा होता है। वह उसे पकड़ के लेके जाते हैं मगर इस सब ट्रेडिंग में वुसंग की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में डिलिस्ट होने से बच जाती है। हैंड टिकट को पकड़ना चाहता है तो माइलो उससे कहता है कि टिकट जरूर उसे मिलने बुलाएगा और टिकट माइलो को मिलने स्टेशन बुलाता है और उससे कहता है कि उसने उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। माइलो उससे सिर्फ यही कहता है सॉरी, उसने टिकट को 30 मिलियन का लॉस करवाया। टिकट उससे कहता है कि उसे इस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उस पर माइलो उससे कहता है कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो सिर्फ एक ब्रोकर हूँ, क्या अब तुम मुझे मार डालोगे। तभी टिकट को पता चलता है कि माइलो ने अपने कोट में माइक्रोफोन छुपाया है जिसके जरिए उनकी बातें हैन सुन रहा है। अब जब टिकट भागने जाता है तो माइलो अपने बैग से रुपए निकाल के हवा में उड़ाता है। उसे पकड़ने लोगों की भीड़ लग जाती है, उसमें टिकट भाग नहीं पाता। तभी टिकट का किलर माइलो के पेट में छुरा भोंकता है तो हैन आके उस किलर को पकड़ता है, वह टिकट को भी पकड़ता है। टिकट को लगता है उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है मगर माइलो उन्हें वह सब रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने पिछले 2 साल से यानी टिकट से उसकी पहली मुलाकात से की थी। वो उनको हैन के हवाले करता है। अब हैन टिकट को अरेस्ट करके ले जा रहा होता है तो मौका देख के माइलो ट्रेन से भाग जाता है। तो हैन उसे फोन करके बोलता है कि उसे भागने की जरूरत नहीं, वो तो विटनेस है। मगर माइलो उससे कहता है विटनेस कभी भी सस्पेक्ट बन सकता है। वो उसे वह सब लोकेशन बताता है जहाँ उसने टिकट ने उसे दिए हुए सब फोन छुपाए होते हैं। उसने हैन की लड़की के लिए लॉकर में टैबलेट भी रखा होता है जो कब से वह अपने डैडी से मांग रही थी। तभी ट्रेन में बैठे माइलो की नज़र ट्रेन से ट्रैवल कर रहे एक ब्रोकर पे जाती है। उसे देख के माइलो के दिमाग में शैतानी प्लान जन्म लेता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि वह अगला टिकट बनना चाहता है। अपने आसपास के नाकामयाब ब्रोकर को इस्तेमाल करके अब वह पैसे कमाने का प्लान बनाने लगता है। अब वह शेयर मार्केट का खिलाड़ी बन चुका है, उसे सिर्फ अमीर बनने से मतलब है। एक बार पैसे कमाने का चस्का लग जाता है तो फिर वह कभी छूटता नहीं। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी समझने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि शेयर मार्केट पे बनी है मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। आप बताइए आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। आपके सजेशन का मैं इंतजार करूंगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक्स। और हाँ, अगला एक्सप्लेनेशन मोस्ट डिमांडेड मूवी का है तो उसे मिस मत कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।